दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म होता है, ये फॉर्म कैसे फिलअप होगा और इसमें पीएम क्या होता है और पीई क्या होता है और पीएमएम क्या होता है, इस सब के बारे में जानेंगे। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेगा। फ़ोटो या सिग्नेचर जो भी अपलोड प्रॉब्लम होगा उसका भी आपको इसमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का और भी इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा आप लोग को। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑफिशियल साइट पे आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा और यहाँ से आप अपना जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अब लास्ट डेट जो है 11 मई रखा गया है, आगे पीछे हो भी सकता है। और यहाँ से प्रोस्पेक्टस या एडवर्टाइजमेंट जो है, ये आप चाहें तो उसमें क्लिक करके देख सकते हैं डिटेल्स इसका क्या कैसे हैं। और उसके बाद वैसे मैं आपको इसमें सारा डिटेल्स बता दूंगा। और यहाँ पे अगर न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ एग्जामिनेशन जो है दिया हुआ है DCEC 2024। तो यहाँ पे PE मतलब होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और PM मतलब इसमें जो मेडिकल से करेगा डिप्लोमा उसके लिए हो गया, और PM जो पोस्ट मेट्रिक से रिलेटेड होता है जो इस रिलेटेड है। तो आप ये और भी डिटेल्स में देखना चाहें तो इसके लिए एक अलग वीडियो होगा, उस पर आप जाके देख लेंगे। और लेकिन आपको दो चीज़ें, अगर आपको सिंपल सा सिर्फ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करना है तो PE सेलेक्ट करिए, अगर पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा मेडिकल में वाला डिप्लोमा करना है पॉलिटेक्निक मेडिकल में तो PM सेलेक्ट करिए। अगर दोनों करना चाहें तो दोनों पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नेम ले लेना है कैंडिडेट का नेम, फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम होगा तो मिडिल, नहीं तो लास्ट नेम ले लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेट हो जाए कितना एज, उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालनी है और सेंड मोबाइल नंबर ऑफ वेरीफिकेशन पे कोड पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक वेरीफिकेशन कोड आ जाएगा। और कोड आने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल वेरीफिकेशन कोड लिखा हुआ है वहाँ पे आप डालेंगे और उसके बाद वेरीफाई करेंगे। उसी तरह से फिर आपको ईमेल का डालना होगा और ईमेल का भी आप यहाँ पे वेरीफिकेशन कोड डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनानी होगी। पासवर्ड बनाने के बाद जो है यहाँ पे आपको पासवर्ड कैसे बनानी है, जैसे एक जो पहला नाम होगा उसका कैपिटल रखना है, उसके बाद स्मॉल यहाँ पे अपर केस लेटर जो है एक कैपिटल रहेगा, उसके बाद स्मॉल लिखना है, एक इसमें से कोई स्पेशल करेक्टर ले लेना है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, और @1234567 कुछ भी इस तरह का आप डाल सकते हैं। उसके बाद कन्फर्म में भी सेम वही डालनी है, उसके बाद आधार नंबर डाल देना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे आप अपना चूज कर लेंगे, कोई फेवरेट मूवी, टीम, टीचर, इसका किसी में से एक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप अपना उसका सिक्योरिटी नेम लिख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों आ जाता है सिक्योरिटी पिन, आपके सामने में दिख रहा है 429578 इस तरह का आपका अलग होगा तो वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 7x पे करेंगे और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे इस तरह से वेरीफाई दिखाएगा और जीमेल भी, और उसके बाद साइनअप करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। फिर आपको साइनअप पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको जीमेल और पासवर्ड अपने डालना है, और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड और क्लिक करेंगे साइन इन पे। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा और हमारा जो फॉर्म होगा कम्प्लीट होगा, आपका 6 स्टेज में होगा। फर्स्ट तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फोटो, सिग्नेचर, एजुकेशन, एप्लीकेशन प्रीव्यू करेंगे, उसके बाद फी पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स में फादर नेम, यहाँ पे आपको मदर नेम, और यहाँ पे आपको जो है परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार का पूछ रहा है, अगर आप बिहार से हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे अगर बिहार से आप हैं तो आपका माता पिता क्या बिहार के निवासी हैं वो बताएंगे, आप यहाँ पे कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जेंडर, आप अपने हिसाब से मेल या फीमेल जो होगा वो चूज करेंगे, कंफर्म जेंडर फिर से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी जो है आपको कैटेगरी लगानी है, जो भी आपका इसमें कैटेगरी आएगा वो सेलेक्ट कर लेना है, और जो आप कैटेगरी अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में से होगा तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे SC ST OBC EBC BC EWS से अगर डाल रहे हैं तो इसमें आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फैमिली इनकम अगर आपका 8 लाख से कम है तो आप यस करेंगे, अगर इससे ज़्यादा है तो नो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका विकलांग कोटा है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। उसके बाद डू यू क्लाइम मेंस सर्विस मेंस का है तो वो करेंगे, अदरवाइज इसको भी नो करेंगे। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे आप अपना कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका यू डिटेल्स में, और वो यहाँ पे डालेंगे जहाँ से आपने स्कूल किए हैं। और उसके बाद यहाँ पे मार्क्स आइडेंटिफिकेशन में कोई मोल मार्क्स या कट मार्क्स या कोई इस तरह का पहचान जो आपके बॉडी पे हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर मोल हो तो इस तरह से लिख सकते हैं मोल मार्क ऑन दी चिक। परमानेंट एड्रेस में आपको दोस्तों डालना होगा यहाँ पे, जैसे विलेज अपना जो फुल एड्रेस होगा वो डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस PS डाल देंगे पूरा।
और उसके बाद जो है एड्रेस लाइन 2 तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फर्स्ट में ही आप डाल सकते हैं। एड्रेस 2-3 जो है इसको छोड़ सकते हैं, कोई देना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट जो है वो चूज करेंगे, स्टेट आपका जो होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पिन कोड आप अपने डालेंगे, यानी जो भी होगा आपका जनरल जो डिटेल्स होगा एड्रेस वो डालना होगा। और दोनों अगर सेम होगा परमानेंट और करस्पॉन्डिंग तो टिक करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू भी क्लिक करेंगे। दोस्तों आप उसके बाद आ जाएगा थर्ड फेज, थर्ड स्टेप में आ जाएगा फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है, तो फ़ोटो और सिग्नेचर का कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको जान लेनी ज़रूरी है। जब आपका फ़ोटो होगा और एक हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर लगेगा, तो फ़ोटो में दोस्तों आपका कलर फ़ोटो होना चाहिए और एग्जैक्ट आपका जो विड्थ है 200 पिक्सल में होना चाहिए एंड एग्जैक्ट हाइट 250 पिक्सल में होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा, आपका प्रॉब्लम होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कैसे करना है, हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश सिग्नेचर भी है, इंग्लिश सिग्नेचर आपका जो है 100 के भीतर का रहना चाहिए और उसमें आपको 300 पिक्सल आपका जो है रहना चाहिए लेंथी और आपका हाइट जो है 100 पिक्सल रहना चाहिए। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर देख सकते जब आप अपलोड करेंगे तो इस तरह से आपको इरर आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर चूज करेंगे और यहाँ पे आपको MS Paint में ओपन कर लेना है। MS Paint में करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना पिक्सल में, पिक्सल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेंस जो एस्पेक्ट है इसको क्लिक करके हटा देंगे। फिर यहाँ पे हॉरिजेंटल यानी लेंथ जो है इसको 300 और वर्टिकल जो है 100 करके इसको सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है फिर से अपने साइट पे और यहाँ से आपको जो है क्लिक करके अपलोड कर लेंगे, तो आपका इस तरह से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको हिंदी भी कर लेनी होगी और हिंदी इंग्लिश दोनों सिग्नेचर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको हिंदी ले लेना है थर्ड में और हिंदी का भी सेम गाइडलाइन होगा, सेम चीज़ होगा इंस्ट्रक्शन। और भी अगर डिटेल्स में देखना हो तो इसका वीडियो का लिंक मिलेगा आपको, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाया जाता है और वो आप वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे फ़ोटो के लिए 200 पिक्सल होना चाहिए विड्थ और हाइट जो है 250 होना चाहिए, यानी वर्टिकल 250 और हॉरिजेंटल 200, यानी आपका फ़ोटो कुछ इस तरह से होना चाहिए। आपका नेम ऑफ फ़ोटो होना चाहिए ऊपर में और उसके नीचे में डेट ऑफ फ़ोटो होना चाहिए, यानी ऊपर में कैंडिडेट का नेम और नीचे में डेट ऑफ फ़ोटो, यानी इस तरह से सैंपल आपका होना चाहिए, ठीक है। और इसे न्यू है और इसे ही आपको देना होगा। और उसके बाद आपको इस तरह से देख सकते हैं आप कर लेंगे अपना जो होगा, इस तरह से कर लेना है। आपका हॉरिजॉन्टल 200 रखना है पिक्सल में और वर्टिकल 250 रखना है, ठीक है, तभी हो पाएगा अपलोड, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको कैसे करना है, फ़ोटो ओपन करना है, MS Paint में जाना है, वहाँ से कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोनों आपका जब अपलोड हो जाएगा तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो सिग्नेचर हो जाने के बाद आपका आ जाएगा एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन डिटेल्स में अगर आपने 10th पास किया है तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स ऑलरेडी रहेगा ही। आपको यहाँ पे स्कूल या कॉलेज का नेम जो होगा वो डाल देना है, अगर नहीं होगा तो होगा ही, आप जिस स्कूल से पढ़ रहे होंगे वो डालना होगा। और बोर्ड और यूनिवर्सिटी का जो है आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, CBSE या बिहार बोर्ड जो भी आपका बोर्ड होगा वो डाल देनी है। स्टेट ऑफ पासिंग यहाँ पे डालेंगे, अगर आप पास हो चुके हैं तो पास करेंगे और वेयर ऑफ पासिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि आप किस ईयर पास आउट हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज या CGPA, अगर CBSE होगा तो CGPA होगा, अगर बिहार बोर्ड होगा तो परसेंटेज में होगा, ठीक है। तो अगर परसेंटेज में होगा तो टोटल मार्क्स 500 लिखेंगे और जो मार्क्स आया वो लिखेंगे तो परसेंटेज बन जाएगा, अदरवाइज CGPA है तो हम CGPA कर दें। अगर जो नहीं पास आउट है वो अपेयरिंग कर लेंगे, अपेयरिंग करने के बाद ये जितना जो है ये एंटिक हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपको दोस्तों प्रीव्यू कर लेना है, आपको यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। सारा इन्फॉर्मेशन आने के बाद जो है आपको अच्छे से डिटेल्स चेक कर लेनी है और सारा चेक करने के बाद जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट आएगा नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप जो होगा यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप स्कैन करके भी आप QR मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।